सर नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार, बहुत ठीक हूँ। आज एक फिल्म की शूटिंग आप कर रहे हैं लखनऊ में, जरा बताएं इसके बारे में, कौन कौन से कलाकार हैं इसमें? मुख्य पात्र के रूप में ब्रजेश त्रिपाठी जी हैं, संग्राम सिंह जी जो हीरो का किरदार निभा रहे हैं, तनुश्री हैं, यामिनी सिंह ने एक आइटम किया है, ग्लोरी महंता हैं, और संजय पांडे जी हैं, अयाज खान जी हैं, और प्रकाश जैस जी, सत्य प्रकाश जी हैं। इस तरीके से सभी जाफरी हैं, और आश्रम फेम डॉक्टर अनिल अस्तोगी जी हैं जिन्होंने इसमें हीरो के पिता की भूमिका निभाई है। आपकी पहली फिल्म विराज भट्ट और अमरपाली दुबे को लेकर बनी थी, ये दूसरी फिल्म है, कैसा काफ़ी गैपिंग रहा है, इसके क्या मुख्य कारण रहा है? इसका मुख्य कारण था कि मैं स्वास्थ्य से कुछ पीड़ित था, जिस वजह से मैं नहीं आया, क्योंकि मुझे स्किन एलर्जी थी, मेरे चेहरे वेरे पे तमाम दाग थे, मैं कहीं जा नहीं सकता था, और मुझे डॉक्टर की सलाह थी कि मैं थोड़ा रेस्ट करूँ, धूप से बचूँ। इस वजह से दो तीन साल मेरा थोड़ा ख़राब गया, फिलहाल मैं स्वस्थ हूँ पूरी तौर पर, और फिर आप लोगों के आशीर्वाद रहेंगे तो आगे हम बड़ी बड़ी फिल्मों को लेकर। क्या टाइटल है इस फिल्म का? मुहे रंग दे प्यार के रंग सजना। अच्छा, मुहे रंग दे प्यार के रंग सजना। फिल्म में जैसे नया हीरो आप को देख रहे हैं, संग्राम सिंह जी हैं, हीरोइन हमारे तनुश्री जी हैं, कैसा दोनों को कम्युनिकेशन है फिल्म के अंदर? जी, संग्राम सिंह जी और तनुश्री में बहुत बढ़िया आपसी वो है, और एक अच्छी कहानी के साथ एक अच्छा आपस में ट्यूनिंग भी है, और अभी तो हमने जो है फाइट सीक्वेंस और ड्रामा पोर्शन शूट कर रहा हूँ, कुछ गाने हैं, गाने बहुत बेहतरीन बने हुए, इनको लेकर के हमारी शूटिंग तो चली रही है, आपको पर्दे पर देखने के लिए बहुत कुछ। कब तक ये लखनऊ में शूट चलेगी इसकी? इसका शूट लखनऊ में 20 तारीख तक चलेगा। और कितने गाने टोटल फिल्म में? टोटल फिल्म में गाने 8। और जैसे दो आइटम सॉन्ग इसमें आपने रखा है, तो क्या कुछ खास डिमांड है दोनों का? नहीं, कुछ खास डिमांड की बात नहीं है, एक्चुअल में कहानी से प्रेरित है, एक तो स्टार्टिंग में है जो हीरो के फादर यानी जो विलनिक दो एक नेगेटिव हीरो का जो करेक्टर है अयाज भाई का, तो एक अयाज भाई का सेल्फ का है आइटम सॉन्ग जो सिटी में रहता है, और उनके फादर मानी संजय पांडे जी का एक जो आइटम सॉन्ग है वो उनके घर पर रहता है, इसमें दो आइटम सॉन्ग। फिल्म में यामिनी सिंह भी नजर आ रही हैं, कैसा रहा उनका बर्ताव आपके सेट पे? बहुत अच्छा रहा है, यामिनी ने बहुत बढ़िया काम किया, बहुत सारे लोग खुश भी रहे, और उनको भी मजा आया काम करने में, मैं तो यही उम्मीद कर रहा हूँ, उनको भी अच्छा लगा हमारी टीम। क्या कुछ कहानी बयां करती है, अगर कहानी की हम बात करते हैं एक लाइन में? कहानी ये बयां करती है कि एक स्त्री प्रधान कहानी उठाया हूँ, महिलाओं को कभी कभी वो सामाजिक उसमें फंस जाती हैं और उसमें वो जवाब नहीं दे पाती हैं, लेकिन फिर भी उनको अपने अधिकार के लिए अपने उसके लिए लड़ना पड़ता है, और एक महिला जो है जो अपने अधिकार के लिए लड़ती है समाज से, तो कहीं ना कहीं उसे न्याय मिलता ही मिलता है, भले उसमें समय लग जाए। कब तक दर्शक देख सकते हैं इसको पर्दे पे? इसको मेरी उम्मीद है कि हम इसे दर्शकों के पास होली तक यानी मार्च में हम इसे ले आएंगे, ये मेरी कोशिश है। गीत संगीत की बात करें तो किसने तैयार किया है? जी, गीत इसमें संगीत जो है दिया है सावन कुमार जी ने, गीत जो है आपका राजेश जी का है, और प्यारेलाल जी हैं। ये जो गाने हैं सारे लखनऊ में शूट करेंगे, बाहर भी कुछ करने वाले हैं? नहीं, कुछ लखनऊ में शूट करेंगे, कुछ बाहर शूट करेंगे, बस्ती गोरखपुर इधर साइड में शूट करूँगा गानों को, बाकी दो तीन गाने इधर करेंगे। आप मूलतः कहाँ के रहने वाले और क्या और कुछ अलग से करते हैं? जी, मैं मूलतः तो बस्ती का रहने वाला हूँ, और मैं एक विद्यालय का एक मैं प्रधानाचार्य भी हूँ सिद्धार्थ नगर में, मैं पोस्ट किया। मतलब बच्चों को आप कुछ सिखाते भी हैं, यानी फिल्म भी आप उसी तरह कुछ बनाएंगे जिससे कुछ प्रेरणा मिले हमारे दर्शकों को? बिल्कुल, मैंने सिर्फ इसी चीज़ को उठाया है कि आप समाज में कोई भी बुराई है या कोई भी चीज़ है तो उसको लेकर के आपको विरोध करना चाहिए, आपको लड़ना चाहिए अपने अधिकार के लिए, तो उसी चीज़ को मैं इसमें लेकर के ताना बाना। जब तक कोई लड़ाई लड़ेगा नहीं तो जीत कैसे मिलेगी उसे? पाने के लिए तो कुछ लड़ना पड़ेगा, उसको उसके पीछे दौड़ना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, ऐसा ही। अयाज खान के हम बात करेंगे और अनिल जी जो इसमें हैं, दोनों का क्या कुछ किरदार है फिल्म में? अयाज भाई जो है इसमें एक निगेटिव हीरो का किरदार है,
और बाकी डॉक्टर अनिल रस्तोगी जी का इसमें हीरो के फादर का रोल है, जो एक रिटायर्ड आर्मी है, उनके बेट उनका बेटा है डॉक्टर संग्राम सिंह चौधरी, जो हीरो का रोल कर रहे हैं। संग्राम जी का अगर एक लाइन में अगर कुछ कहना चाहें तो क्या कहेंगे? संग्राम सिंह जी ऐसे हैं जिनके अंदर लगभग बहुत सी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, क्योंकि इनको देखते हुए मुझे लगता है कि जो है भाई एक एक्टर से लेकर के हर तरीके का इनके अंदर गुण है, समाज में भी राजनीतिक व्यक्ति भी हैं, सामाजिक व्यक्ति भी हैं, जो लोगों के बीच में तत्पर रहते हैं, खड़े रहते हैं, यानी मैं कहूँगा कई कलाओं से परिपूर्ण। धन्यवाद सर।